लेकिन नॉर्मल से रहने भी कहता है डिलीवरी पे तो हमारा कोई बहुत कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी तो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें जब पेशेंट को दर्द बढ़े या कोई इमरजेंसी हो तभी हम लोग करते हैं कि उसको डिलीवरी प्लान करना है या उसका सिजेरियन। लेकिन सिजेरियन में क्या होता है, हम दो तरीके से सिजेरियन करते हैं। कुछ सिजेरियन होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में किए जाते हैं कि देन एंड देयर कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन कुछ सिजेरियन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पहले से प्लान करते हैं, इस लाइक उनको इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं, जिसमें कि हमें पता होता है कि इस पेशेंट में हमें सिजेरियन करना ही है। एंड उन पेशेंट्स में ऐसी दो चार लोगों ने हमारे पास आए हैं जो चाह रहे हैं कि चूंकि उस समय मुहूर्त बहुत अच्छा है तो हमारा बच्चा उस समय पे लोक बंधु में हो जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे अगर उनका ड्यू डेट है और उनपे फीस बाकी रिपोर्ट्स ओके हैं सब कुछ ठीक है तो हम कुछ पेशेंट्स का कर भी सकते हैं उस समय पे। तो क्या अगर जैसे डिमांड पड़ती है उस हिसाब से अगर क्या ओटी वगैरह मिलता रहेगा कि अगर कोई चाहता है उसको सारी चीजें? बिल्कुल, इलेक्टिव सर्जरी की हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं और उसी हिसाब से प्लान करते हैं। तो उसमें प्री प्लान करेंगे कि हो सकता है जो रूटीन में हम लोग इलेक्टिव कर सकते हैं उससे हम एक दो नंबर उसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है क्योंकि हम लोगों को इमरजेंसी सुविधाएं भी साथ में ही देनी होती है। तो उसके लिए स्कोप जिन लोगों ने आप लोगों को ये जो क्वेरीज आई है तो उनको आप लोग उस पर देख रहे होंगे उसको, उनके हम लोग फर्दर हाँ कंसिडर कर रहे हैं, प्लस उनके ब्लड टेस्ट वगैरह करा रहे हैं और चीजें सब कुछ ठीक रहती है, बच्चे की मेच्योरिटी सही हो जाती है एंड बिल्कुल बाकी पेशेंट फिट फॉर द सर्जरी है तो वी कैन प्लान इलेक्टिव थिंग्स फॉर सच पेशेंट्स। देखिए 22 जनवरी का जो समय है बड़ा पूर्ण समय है जब हमारे यहाँ भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी क्रम में लोगों में बड़ा उत्साह भी है और उत्सुक हैं लोग कि उस पूर्ण समय में जो हमारा नक्षत्र और सही वो है उसी में डिलीवरी करवाने के लिए लोग बड़े उत्सुक हैं। हमें बताया गया है गायनी डिपार्टमेंट की ओर से कि कई महिलाओं ने उनसे इंक्वायरी की है कि क्या परिस्थिति हो सकती है कि 22 तारीख को डिलीवरी हो। हम लोगों ने विस्तृत बातचीत की है, जिसका भी अगर संभव हो सकेगा वो डिपार्टमेंट तय करता है, सर्जन तय करते हैं, डिपार्टमेंट तय करता है कि इसको किस तरीके से करा जाए। लेकिन अगर जो भी यथासंभव स्थिति बनेगी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर 22 तारीख को डिलीवरी का होगा, जो भी तारीख तय होगा डॉक्टर तय करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्टाफ के लिए सबको निर्देश दिए हैं कि अगर यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी मनोकामना जो है वो जरूर पूरी की जाए, यदि संभव है साइंटिफिक बेस पे। मेरी भी यही इच्छा होगी कि 22 तारीख की डेट पे हो जाए ताकि इस अवसर पर सब लोग कहा जाए कि राम जी के जैसे अवतार हुआ है जैसे उनका, वैसे हमारे घर में भी ऐसे बच्चा आए तो सब लोग उनके लिए भी सम्मान किया जाए कि हाँ भगवान राम जी के जन्म स्थल के यानी जिस तारीख को जन्मभूमि हुई है उनकी उसी तारीख को मेरे बच्चे का भी जन्म हुआ है, वो अलग ही खुशी होगी, बच्चे की अगर हाँ, होती है उनकी अलग ही पहचान होगी, कहा जाएगा सब लोग सम्मान भी करेंगे, सब लोग इतने अच्छे से भगवान का रूप देखने को मिल रहा है एक तरफ से। बस अभी अभी डॉक्टर के पास आई है तो डॉक्टर से भी कहेंगे कि अगर उस तारीख में हो तो आपको वो मौका खुशी होगी। डॉक्टर से कहेंगे कि अगर आपको वो तारीख मिल सके, अगर उसके आसपास आपकी डिलीवरी मिली है 15 के बाद ही है, 15 से तो आप बस यही मान रही है। हम भी यही सोचते हैं, फैमिली में भी चाहते हैं कि 22 तारीख को परिवार के लोगों का क्या कहना है? उनका भी यही कहना है कि ऐसे टाइम पे अच्छे समय पर हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, कहने वाली अच्छी बात होती है, बस यही चाह रहे हैं। जी हम भी चाहते हैं कि जो है 22 जनवरी के दिन हमारी डिलीवरी हो तो जो है भगवान राम या फिर कोई भी रूप में आए, कोई भी देवी देवता हो तो जो है हमें खुशी है कि हमारा उसी दिन डिलीवरी हो। बिल्कुल, देवता की समान उसको बच्चे को भी रखा जाएगा, सब लोग परिवार के लोग कितना इससे खुश है क्योंकि हर आदमी अयोध्या में कुछ लोग नहीं जा पा रहे तो लोग आपके पास आ जाएंगे जब 22। सब लोग बहुत खुश हैं कि जो है भगवान करे उसी दिन डिलीवरी हो कि जो है हमारे घर भगवान राम का जो है दर्शन हो जाए। तो अभी 22 जनवरी आपको डेट मिली जी।